आज वैसे निकल रहे हो, क्या बात हो गई? कुछ मन्नत मांगी हुई थी, जीत की क्या थी? देखिए वांकल माता आशीर्वाद पद यात्रा है, मन्नत तो क्या है कि जब माँ होती है तो माँ से तो हमेशा हम मांगते ही रहते हैं, और माँ से आशीर्वाद मांगा था, माँ ने आशीर्वाद दिया, जनता ने आशीर्वाद दिया, बाप जी का आशीर्वाद रहा, तो फिर से एक बार माँ के चरणों में जा रहे हैं, दरबार में जा रहे हैं कि माँ का जो आशीर्वाद है वो आगे भी बना रहे और जनता की सेवा करने की शक्ति और आशीर्वाद दे। कल मीटिंग थी, दिशा की मीटिंग थी, क्या मुद्दे उठे थे, किन मुद्दों के ऊपर कुछ काम होने के है आशा नहीं? देखिए अभी तक जो पिछली सरकार थी उसमें व्यवस्था बहुत चरमराई हुई है, हम जो मुख्य रूप से मुद्दा था एक तो पानी का था, हम जानते हैं बाकी सभी जगह से शिकायत थी, लेकिन बाड़मेर शहर की क्या स्थिति है, जो पानी नहीं मिल रहा है तो उसको दुरुस्त करने की बात की गई। किसानों की बात करें तो किसानों को बिजली नहीं मिल रही है, 6 घंटे क्या 4 घंटे भी नहीं मिल रही, उसमें ट्रिपिंग की समस्या है, तो उसमें जगह जगह जो GSS के निर्माण कार्य होने चाहिए वो अटके हुए हैं, तो उनकी प्रभावशाली मॉनिटरिंग की बात की, हॉस्पिटल की व्यवस्था की बात की, हम जानते हैं कि इमरजेंसी रात को होती है तो 2 डॉक्टर्स की ड्यूटी लगनी चाहिए, सफाई व्यवस्था बराबर होनी चाहिए, और जो घटिया निर्माण हो रहा है, जो भी काम चल रहे हैं उनकी बराबर चेकिंग हो। आपको पता होगा वो नाले का जो निर्माण हो रहा है उस काम को मैंने कहा कि आप रुकवाइए, उसकी वापस से रीडिज़ाइनिंग कीजिए ताकि अगले 15 साल तक शहर को ये समस्या का सामना नहीं करना पड़े, उसकी गहराई बढ़ाएं, और जो मटेरियल है वो ज़रूर चेक करें क्योंकि ये घटिया निर्माण है तो जनता का पैसा बेकार ना हो। ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे, उस पर मुद्दों पर हमने बातचीत की, पहली मीटिंग थी, लेकिन इतना विश्वास है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से हम इस व्यवस्था को सुधारने में सफल होंगे। निर्दलीय विधायक है आप, सरकार के साथ पटरी बैठ गई? निर्दलीय विधायक जनता ने बनाया है, जनता का काम लेके जाएंगे तो निश्चित रूप से सरकार भी सुनेगी। अलमत सवेरे सर्दी में आप रवाना हुए हैं, हर कौम से हर वर्ग से लोग जुड़े हैं, जबकि प्रण को आपका अकेले कहा, कितना प्यार मिल रहा है? देखिए ये जो चुनाव था, मैंने पहले भी कहा ये चुनाव प्रियंका ने नहीं लड़ा, 36 कौम की जनता ने लड़ा, सभी ने मन ही मन कहीं ना कहीं माता से मन्नत मांगी थी, दुआ मांगी थी, शक्ति मांगी थी, और आज जब उनकी ये जो आशीर्वाद है फला है, सबके मन की भावना पूरी हुई है, तो इसीलिए आज फिर से 36 कौम की जनता जुड़ी है कि उनको ये खुशी है और सभी हम मिलकर जनता के माता के दरबार में जा रहे हैं। एक दिन में 30 किलोमीटर का सफर क्या सोचा है, कैसा रहेगा सफर? अच्छा रहेगा, माता शक्ति देगी, जनता का साथ है, आशीर्वाद है, जब इतना मुश्किल समय निकल गया तो ये तो 30 किलोमीटर ये बड़ी बात नहीं है। पड़ाव क्या रहेंगे, पहला पड़ाव रात्रि विश्राम कहाँ? देखिए पड़ाव तो ऐसा है कि जगह जगह स्वागत हो रहा है, अब हम आगे देख के व्यवस्था देखेंगे कि कहाँ पड़ाव कहाँ तक पहुँच पाते हैं और कहाँ पड़ाव होगा, तो जगह जगह स्वागत भी है। तो अब तक सफर में कितना प्यार उमड़ रहा है लोगों का? खूब मिल रहा है, आपने अगर शुरुआत से देखा होता तो जगह जगह स्वागत हो रहा है, और बाप जी का भी आशीर्वाद है तो वो साथ में हुजूम जुड़ता जा रहा है, और मैं मानती हूँ कि यात्रा सफल होगी, माता आशीर्वाद और शक्ति देंगी। विधानसभा में पहला सवाल क्या होगा? पहला सवाल होगा कि भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए।